हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज वट सावित्री पूजा है और ये शादी के बाद मेरा पहला वट सावित्री पूजा था, तो इसके लिए मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पूजा करने के लिए मैं अपने गांव के ही एक मंदिर में आई हूँ। मैंने ऐसा फील किया कि जब भी मैं पूजा करने मंदिर जाती हूँ तो मैं बहुत पीस फील करती हूँ। आप सभी को भी ऐसा फील हो ज़रूर हुआ होगा कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। फास्ट के तो अपने ही फायदे हैं। अगर आप फास्ट रखती हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट आप सेल्फ रेगुलेशन सीखते हैं। दिन के 2 बज गए हैं और मैं यहाँ लग गई हूँ अपनी पढ़ाई में। आज मैंने सुबह से 1 मिनट की भी पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं सुबह से पूजा पाठ करने में ही बिज़ी हूँ। सुबह मैं 5:30 बजे ही मंदिर गई थी और वापस आते आते 10 बज गए, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ थोड़ा फ्रूट्स खाकर आराम कर लिया जाए, और फिर मैं सो गई। और सो कर उठने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यूटी को बनाए रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फास्टिंग है तो आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें, और ये भी बहुत गलत है कि आप ये ऐसा सोचें कि आज मेरा फास्ट है तो चलो आज कुछ नहीं पढ़ते हैं, एकदम डोरमेंट भी नहीं होना है। आपको कुछ ना कुछ हर दिन पढ़ना ही है। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की पढ़ाई तो ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगी लेकिन 2 से 3 घंटा तो मैं अपनी पढ़ाई को ज़रूर दे सकती हूँ। आज मैं क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक पढ़ रही हूँ। इसमें मैंने चैप्टर 4 चूज़ किया है और कोशिश करूँगी कि मिनिमम कम से कम मैं 1 चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकूँ। DSSC में साइकोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं एकदम इसे शुरुआत से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी एंड में जल्दी जल्दी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे किसी भी सब्जेक्ट को शुरू में कंप्लीट करके 2-3 बार रिवीजन करना पसंद है, तो इसीलिए मैं साइकोलॉजी को भी शुरुआत से ही पढ़ रही हूँ। ऐसे जून ख़त्म होते होते तक ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं अक्टूबर तक इसके 2-3 बार रिवीजन भी कर लूँगी, तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपसे आज की कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी जर्नी से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।